दोस्तों ये वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम सभी पॉपुलर साउथ इंडियन एक्ट्रेस के रियल वॉइस सुनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लू अर्जुन से। इट साउंड्स लाइक सेकंड टू हॉलीवुड एंड हम किसी से कम नहीं। सो आई लाइक टू से हिंदी सिनेमा, आई लव हिंदी म्यूजिक, आई अप्रिशिएट देम सो मच। लाइक अल्लू अर्जुन के 90% मूवीज को संकेत मात्र डब करते हैं हिंदी में। देवी के आगे प्रतिज्ञा लेता हूं, अब एक नया युद्ध आरंभ होगा। उसकी ताकत, मेरा क्रोध, उसका अहंकार और मेरी जिद के बीच अब ये जंग का ऐलान। पुष्पा, पुष्पाराज, मैं झुकेगा नहीं साला। लेकिन पुष्पा मूवी के हिंदी वर्षन में अल्लू अर्जुन को आवाज दिया है बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपरे ने। पुष्पा, पुष्पाराज, मैं झुकेगा नहीं साला। कन्नड़ा मूवी के सुपरस्टार यश, जैसे हम शूट करते हैं ना वो नॉर्मल नहीं होता, सब बोलते होगे ना शूटिंग में पिकनिक जैसा था, आराम से मजा करके शूटिंग किया। आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस वेर इन दैट मोड बिकॉज इट वाज सो डिमांडिंग। यश के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट का नाम है सचिन गोले। वेल हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग? मैं हूं सचिन गोले। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, but violence likes me, I can't avoid. Tamil cinema ke superstar Thalapathy Vijay. Kill them with your success, bury them with your smile. Vijay ke Hindi dubbing artist ka naam hai Sanur Mirza. ये भी हो सकता है उसका नाम IPS विजय कुमार हो। तो फिर मुझे अभी तुम लोगों की संकेत की, राजू की आवाज इतनी अच्छी है, मुझे मेहनत करनी पड़ती है निकालने के लिए। कैसे सुनने लायक तो बने हो। कॉमेडी सुपरस्टार ब्रह्मानंदम। I am always thinking about the recognition of comedy because to perform comedy is not an ordinary thing. Everybody will say that, but everybody will neglect it. ब्रह्मानंदम के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट का नाम है विनोद कुलकर्णी। राजाओं के नियमों को मानती है। सरनेम क्या है? शर्मा। इसका मतलब कि तुम लोग शर्माते हुए खानदान के हो, सबके सब भीगी बिल्ली हो। आखिर वो मेरी हाइट और मेरा वेट क्यों पूछ रहा है? वॉइसिंग आर्टिस्ट्स को और इस इंडस्ट्री के लोगों को पहचान मिलनी चाहिए ताकि वो उनकी भी हौसला अफजाई हो और वो बहुत अच्छे तरीके से आप सबका मनोरंजन कर सके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। तेलुगु मूवी एक्टर रवि तेजा। हाय, व्हाट यू डूइंग देयर? सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नानी। Very very sensible actor, very very sensible actor. Love you Nani. रवि तेजा के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट का नाम है अमर बाबरी। वहां मेरी इज्जत को खतरा होगा। चल टेक इट, वन मोर। वहां मेरी इज्जत को, वन मोर, वहां हमारी इज्जत खतरे में होगी। ओ फकीरा, दो टकीला। एक्ट्रेस समंता राउत प्रभु। अभी फैमिली मैन सीरीज आई एम डूइंग राइट, सो आई थिंक दैट्स माय फर्स्ट स्टेप हियर एंड आई एंजॉय बीइंग पार्ट ऑफ फैमिली मैन अ लॉट एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट सीजन वन हैज गॉट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन एंड सॉरी आई एम नॉट गोइंग, आई नो हिंदी बट आई एम वेरी साउथ इंडियन एंड एक्सेंट होगा सो आई डोंट वांट टू स्पीक। उनके हिंदी डबिंग आर्टिस्ट का नाम है सगुफ्ता बेग। पुलिस हो तो किसी को भी मारोगे? तुम इंसान के खून की वैल्यू जानते हो? वो मुझको चाहती है और मुझ तक आ नहीं सकती, मैं उसको पूजता हूँ और उसको पा नहीं सकता। तमिल मूवी के सुपरस्टार सूर्या। मैं मरने से नहीं, उसे मारे बिना मरने से डरता हूँ। That's my first line, which I spoke on my first day of shoot also. Surya ke Hindi dubbing artist ka naam hai Sankit Mathare. So phir ye cases 10 saal se pending kyun the? Strange logic, huh? My lord, mere client Kaliappan ke bete Kulan ji. Ki aapne jo record kiya hai, usme kuch shabd original se kam pad rahe hain. To director ke consultation se aap kuch aur shabd insert karke length ko sync mein la sakte hain. Telugu cinema ke superstar Pravas. कई कितनी बार ऐसा हुआ है कि प्यार को लेकर आपका प्रेडिक्शन गलत हुआ है रियल लाइफ में? बहुत बार हुआ है, दैट्स व्हाई डिडंट गेट मैरिड आई थिंक। किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए पामिस्ट आप बने थे, इट कुड बी फॉर पूजा एंड भूषण आल्सो। या मे बी आई डोंट रिमेंबर।
प्रभास के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट का नाम है शरद केलकर। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। साउथ इंडियन एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी। एक्चुअली ऑपोजिट है इस तरफ, जो एक्चुअली स्क्रीन पे है हीरो हीरोइंस एक्ट्रेसेस, वो एक्चुअली आपको देखकर आपको सब क्रेडिट देते हैं, उनके लिए आप लोग हीरोज हैं। अनुष्का शेट्टी की हिंदी डबिंग आर्टिस्ट का नाम है स्मिता मल्होत्रा। अपने न्याय शास्त्र को गंगा में बहा दीजिए, अपने शासन को सूली पर चढ़ा दीजिए। सो देन व्हेन आई डिड देवसेना इन बाहुबली, इट वाज टोटली डिफरेंट, इट वाज टोटली नो एक्सेंट एंड चेस्ट हिंदी। टू बी ऑनेस्ट, मुझे अपना काम इतना पसंद है, आई लव डबिंग। साउथ इंडियन एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना। पहली बार बॉम्बे आके हमारा फिल्म प्रमोट कर रहे हैं, तो बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा लगा, पता है यार, एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश भी, उत्सुक। हाँ, उत्सुक हूँ। ओके। पुष्पा मूवी में स्मिता मल्होत्रा ने ही रश्मिका को आवाज दिया है। मुझ जैसी बेबस लड़की की मदद करके तू अपने धंधे पर आंच क्यों आने देगा? जो लोग बोलते ना, अच्छा आपको तो बस एक लाइन बोलनी होती है, अरे यार आर्टिस्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ द लाइन। तेलुगु मूवी एक्टर विजय देवरकोंडा। हिंदी में बात किया तो मेरा स्त्रीलिंग पुल्लिंग इधर उधर हो जाता। तो जब मैं आपको कुछ आंसर दूंगा, कुछ लिंग इधर उधर हुआ तो माफ कर देना। कुछ भी बोला थोड़ा प्यार से लेने का, संभाल लेने का। विजय के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट का नाम है सानूर मिर्जा। वक्त आने पर वो आपका कॉल भी नहीं उठाती। उस दिन अगर मैंने अपने बॉस की बात सुनी होती तो आज मैं पेरिस में पैसा कमा रहा होता और मनचाही जिंदगी जी रहा होता। हाँ, और कॉपी करने में मत लगो, किसी को कॉपी करने में मत लगो, अपना कुछ खुद का स्टाइल बनाओ। ये सांस नीचे कर ली, सांस ऊपर कर ली, भारी आवाज कर ली, पतली कर ली, नहीं, बेस अंदर का इमोशन पकड़ो, अंदर का। तमिल मूवी के सुपरस्टार धनुष। So it's they all worked on me, they all worked together and they all made me speak decent Hindi. Even now she said duniya thukegi mujh pe, and then it's a tricky line. ज्यादातर धनुष खुद ही अपनी मूवी को हिंदी में डब करते हैं। तमिलनाडु में मेरी गांव का फैमिली, मेरा डॉक्टर ऑफ मेडिसिन का कोर्स के फर्स्ट ईयर में हम मिले, वो मुझे अच्छा लगा, मैं उसको अच्छा लगा, हो गया। तेलुगु मूवी एक्टर राम पोथिनेनी। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट और है, काश मैं इन सफेद बालों का अभी कुछ कर सकता। कर सकते, कलर करें 5 मिनट में, रहे 5 हफ्तों तक। You know, this is getting translated exactly, but if we translate the same line in Telugu, it's not working, so we should probably write something else. You know, that is the kind of discussion we have. राम पोथिनेनी के भी हिंदी डबिंग आर्टिस्ट का नाम है संकेत माथरे। कितने दिन में डिलीट हो जाएगा? चूहों का 2-3 दिनों में डिलीट हो सकता है। चूहा? चूहा किधर से है? कभी कभी इंजीनियर्स आपसे कहेंगे कि आप ऑफ माइक हो रहे हैं, यानी कि आपकी जो इनिशियल रिकॉर्डिंग पोजीशन थी वो थोड़ी सी हिल गई है। तेलुगु मूवी एक्टर JR NTR। हम उनकी कहानियां सुन के बड़े हुए हैं, हम बस मेमोरी लेन में चले जाते हैं और बस यू स्टार्ट रिमेम्बरिंग दो स्टोरीज। तेलुगु मूवी एक्टर रामचरण। रामचरण एंड NTR दोनों के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट का नाम है संकेत माथरे। साउथ के 70% मूवीज को ही संकेत माथरे डब करते हैं, लेकिन RRR मूवी में दोनों एक्टरों ने खुद ही अपने हिंदी डब वर्जन में आवाज दिया है। तेलुगु मूवी के सुपरस्टार महेश बाबू। बाबू से एक मेरा प्रश्न है, मैं पंकज शुक्ल अमर उजाला अखबार से हूँ। बतौर निर्माता आपने पहली हिंदी फिल्म बना ली है, बतौर अभिनेता पहली हिंदी फिल्म कब रिलीज हो रही है आपकी? तेलुगु फिल्म रिलीज होगा वो हिंदी में। इट वॉज वेरी सिंपल फॉर मी सर, आई मीन आई डोंट नो इफ आई साउंडिंग एरोगेंट, बट आई डिड गेट अ लॉट ऑफ ऑफर्स इन हिंदी, बट माई सिंपल थिंग इज आई डोंट थिंक दे कैन अफोर्ड मी इन हिंदी। सो दैट्स द रीजन आई डोंट, I can't waste my time because the kind of respect I get here, the kind of stardom I have here, so I've never really thought of going, you know, leaving my industry and going to another industry. And I always thought that when you do films here, you know, it will become bigger. Mahesh Babu ke Hindi dubbing artist ka naam hai Rajesh Kava.
थैंक यू जेंटलमैन। आप तो जानते हैं मैं कैसे सीएम बनाऊं। टू बी ऑनेस्ट, मैं इस काम और राज्य के बारे में कुछ नहीं जानता। हम हर रोज खुद को साबित करते हैं, ऐसा नहीं कि हम 20 साल से कर रहे हैं, 25 साल से कर रहे हैं या जो भी साल से कर रहे हैं तो हम इतने ही मक्खन की तरह कर लेंगे या कंफर्टेबल है। नहीं, वो हम कोशिश करते हैं पूरी तरह से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो दूसरे वीडियोस भी जाके देखो मेरे चैनल पे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।